हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एके मोटो ब्लॉग्स। आज हम मोटो ब्लॉग करने वाले हैं, जो कि ये रोड है हमारा हाथरस से अलीगढ़ के लिए। और आप देख सकते हैं आज मौसम कितना खुला हुआ है, क्योंकि आज धूप निकल रही है और ये सर्दियों का टाइम है। जनवरी चल रहा है, बहुत सारी सर्दी पड़ रही है। आज पता नहीं कैसे धूप निकल आई है, जो कि इतनी अच्छी खिलती हुई धूप है, पर फिर भी इसी धूप में यार ठंडी ठंडी हवा लग रही है बहुत ज़्यादा। दोस्तों, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा आप कपड़े वगैरह पहन के, जैकेट वगैरह पहन के बाहर निकलें, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। चलिए आज हम अपना ब्लॉग करते हैं और राइडिंग करेंगे। अब हमारे सामने अचानक से ये फोर व्हीलर आ चुके हैं, जिन्हें हमें क्रॉस करना है, पर थोड़ा सा रास्ता ऐसा ही है। अभी दोस्तों हाईवे आने पर हम थोड़ा सा काफ़ी अच्छे से राइड कर पाएंगे। ये हमारी TVS राइडर बाइक है, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि लोगों को ये बाइक बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि इसका लुक भी अच्छा है और इसका माइलेज भी अच्छा है और काफ़ी अच्छी बाइक है। इसका थोड़ा पावर भी बढ़िया है, जब हम स्पीड देंगे तो जिस देखिए किस तरह से ये कार हमने ओवरटेक कर दी है। दूसरी कार भी हम ओवरटेक करेंगे। थोड़ा सा यहाँ जगह कम है, क्योंकि रोड बहुत पतला है, जिस वजह से ये हो नहीं पा रहा है। तो अभी हम करने वाले हैं, वैसे तो ही हो ही जाएगा, क्योंकि पता है जब हम राइड करते हैं तो हमारे सामने कुछ भी आया है वो सब पीछे ही हो जाता है। अभी हम हाईवे पे आने वाले हैं, जो कि देखिए ये भी हमने ओवरटेक कर दिया। अब हमारी बाइक चलेगी मस्त एकदम। तो आप सब सोचते होंगे कि मोटो ब्लॉग कैसे करें, क्या करें, क्या ना करें। तो मोटो ब्लॉग करने में यार दोस्तों कुछ भी नहीं है, आप बस क्या करें, अपनी बाइक उठाएं और लेके सीधा कैमरा वगैरह सेटअप करें और लेके जाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने फ़ोन से ही मोटो ब्लॉग रिकॉर्ड वीडियो कैसे बनाएं। तो सिंपल सा है दोस्तों, या तो आप कैमरे का इस तरह से एंगल बना लें, जिससे आपका, जैसे मेरा, आप देख सकते हैं पूरा रोड का व्यू आ रहा है। आप उसके लिए आप क्या करें, चेस्ट बेल्ट लेके आए, जो कि कैमरे को सेट कर सके। तो आप तो या तो इस तरह से कर लें, या फिर जैसे अदर मोटो ब्लॉगर कर रहे हैं, जैसे हेलमेट में ही कैमरा लगा लेते हैं, फ़ोन लगा लेते हैं। अभी मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि आप पहले स्टार्टिंग फ़ोन से ही करें, क्योंकि अभी अगर आपका न्यू चैनल है और आप चाहते हैं कि मोटो ब्लॉगिंग हम कैसे करें, और अभी आपके पास इतने पैसे भी नहीं है क्योंकि आप पैसा खर्च कर सकें, तो इसीलिए यार दोस्तों मेरा तो यही मानना है कि आप स्टार्टिंग पहले फ़ोन से ही करें। ये मेरा जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये फ़ोन से ही हुआ है। ये हमारा देखिए हाथरस की नहर पे जो पुल बना हुआ है, ब्रिज, उसके ऊपर से हम क्रॉस करने वाले हैं। और देख सकते हैं गाड़ी की काफ़ी अच्छी रफ्तार आ चुकी है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। बाइक को तो खाली रोड पे चलाने का मज़ा ही अलग है। देखिए किस तरह से यहाँ पे ये टर्न है, काफ़ी ब्रिज पे भी काफ़ी ट्रैफिक आ जाता है कभी कभी, पर फिर भी बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर राइडिंग हो रही है। तो मैं जैसे बात कर रहा था कि हम कैमरा कैसे सेटअप करें, तो या तो आप क्या करें, हेलमेट वाला स्टैंड ले लें, जिस पे आप फ़ोन को सेट कर सकते हैं, या फिर आप क्या करें, चेस्ट वाला बेल्ट ले लें, जिसमें आप कैमरा सेट कर सकते हैं। जब आपका कैमरा एक एंगल बन जाएगा, सेट हो जाएगा, तो आप अपनी मोटो ब्लॉगिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा, अब जब आप मोटो ब्लॉगिंग का वीडियो बना लेते हैं, तो फिर उसे एडिट किससे करें? तो भाई आपको मैं एक ऐप का नाम बता दूंगा, जिस ऐप से आप अपना वीडियो एडिट कर सकते हैं, आप उसमें वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप बहुत से ब्लॉगर्स होते हैं जो लाइव रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, पर भाई अभी स्टार्टिंग में आप लाइव रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाएंगे अपने वॉइस की, इसीलिए आप क्या करेंगे, पहले वीडियो बनाएं, बाद में ही आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके वीडियो में ऐड करें, फिर आप अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें। और सबसे मेन चीज़, जो सबसे मेन चीज़ है, वीडियो अपलोड करने से पहले यार उसका वीडियो का थंबनेल ज़रूर आप देख लें। आप देखें कि मोटो ब्लॉगिंग करते समय जिन जिन लोगों का रिएक्शन आया है, उन रिएक्शन का पिक लेकर उसी का एक थंबनेल बनाएं, जो थंबनेल आपका अच्छा होगा।
क्योंकि आपको पता है यार दोस्तों, जो दिखता है वही तो बिकता है। जब आपका थंबनेल अच्छा होगा तो आपकी वीडियो भी लोग देखेंगे और वायरल होगी। जितना अच्छा थंबनेल होगा उतना ही लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी वीडियो देखने के लिए। और आपको तो पता ही, अगर किसी ने 1 मिनट भी वीडियो देखा तो 1 मिनट का वीडियो देखने पर ही आपको 1 मिनट का वॉचिंग टाइम मिलेगा। और ऐसे ही करके अगर बहुत सारे लोग भी देखते हैं अगर आपकी वीडियो पे, 1,000 व्यू भी आ जाते हैं, तो 1,000 व्यू का मतलब आपके 1,000 मिनट बन जाते हैं यार दोस्तों। काफ़ी आपका वॉचिंग टाइम बन जाता है, पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा इस बात पे कि आप अपना थंबनेल अच्छा बनाएं। चलिए अब आपको मैं उस ऐप का नाम बता दूंगा जो आप उससे आप ऐप को एडिट कर सकते हैं, वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इस रोड पे कितना क्लियर है, और आज मौसम बहुत अच्छा है तो इसलिए हमारा राइडिंग करने का मन हुआ तो हम निकल आए। और हम यहाँ पे अलीगढ़, हाथरस से अलीगढ़ वाला रोड है ये, देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा रोड बन गया है ये, अभी फ़िलहाल दोबारा से बना था। आज हम राइडिंग कर रहे हैं इस पे तो बहुत ही मज़े आ रहे हैं यार दोस्तों। किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से राइड कर सकते हैं अपनी बाइक को। और ये तो TVS राइडर है, और राइडर को चलाने में तो और ही मज़ा आता है। लोगों को रोड क्रॉस करने का बिल्कुल भी सेंस नहीं है यहाँ पे, ना तो लेफ्ट देखेंगे ना राइट देखेंगे, ऐसे ही अपनी गाड़ी को रोड क्रॉस करने में लग जाएंगे। इसी तरह से यार एक्सीडेंट बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। लोगों को सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद ही बाकी के काम करने चाहिए। अब हम बेशक मोटो ब्लॉग करते हैं यार, हमारी स्पीड कभी 80 से ज़्यादा नहीं जाती है, हम अपनी 40 50 60 की स्पीड पे मोटो ब्लॉगिंग करते हैं। ज़रूरी है क्या मोटो ब्लॉगिंग करते समय स्पीड का तेज़ होना? मुझे नहीं लगता है यार, मोटो ब्लॉगिंग करना एक अलग पैशन है और तेज़ स्पीड में चलाना अलग पैशन है। तेज़ स्पीड से क्या होता है, एक्सीडेंट होता है और क्या होता है। देखिए ये लड़की भी वीडियो बना रही थी अभी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी खाली रोड आ गया है तो थोड़ा स्पीड बढ़ेगा और तब मज़ा आएगा यहाँ पे। बिल्कुल देखिए खाली रोड है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर थोड़ा ठंड सा है। हाँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इस वजह से क्या है कि हम थोड़ा बाइक को धीरे चला रहे हैं, फिर भी हमारी बाइक 50 की स्पीड पर चल रही है जो कि काफ़ी फास्टेबल है। देखिए किस तरह से आप मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ये मेरा फ़ोन पुराना वाला है, इसमें OIS वाला सिस्टम नहीं है, इसमें क्या है वीडियो शेक करता है, वीडियो हिलता है। और मैंने इसीलिए अपना न्यू फ़ोन ख़रीदा था, जो कि मेरा न्यू फ़ोन है सैमसंग F54, जो कि काफ़ी अच्छा है, कैमरा भी अच्छा है। आप फ्लिपकार्ट पे जाके देख सकते हैं, जो भाई ख़रीदना चाहते हैं ख़रीद सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ थोड़ा सही है, मतलब ज़्यादा ख़राब भी नहीं है और ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, मीडियम रहा है, काफ़ी अच्छा है, आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं। आज देखिए 4 व्हीलर वाले ने हमें पीछे छोड़ दिया, और ये आज मोटो ब्लॉगिंग करते समय बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मौसम खुल गया था, और ये जनवरी का मंथ चल रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा कोहरा होता है यार। देख सकते हैं आप किस तरह से मोटो ब्लॉगिंग की जा रही है। कुछ भी नहीं है मोटो ब्लॉगिंग करने में, बस आपको थोड़ा ध्यान देना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज का मोटो ब्लॉगिंग यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, प्लीज़ शेयर माई वीडियो, थैंक यू।